आजाद हुए अन्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्नाव की बेटी ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर पड़ी है। उन्नाव पीड़िता की हालत बीते काफी समय से लगातार नाजुक बनी हुई थी। पीड़िता को कल तक निमोनिया ने जकड़ लिया था और आज पीड़िता की हालत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर आ रही है कि एक लंबे वक्त के बाद तमाम कोशिशों के बाद उन्नाव पीड़िता की हालत में सुधार आ गया है। आज पीड़िता ने आंखें खोली। डॉक्टर ने इशारे से जब पीड़ित लड़की से बात करने की कोशिश की तो पीड़ित लड़की ने अपनी ओर से इशारे किए। गौरव की 28 तारीख को उन्नाव पीड़िता का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। 28 तारीख से उन्नाव पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तीसरे तल पर वेंटिलेटर यूनिट में पीड़िता और उसके वकील भर्ती हैं। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर संदीप तिवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोमवार को पीड़िता की तबीयत में सुधार देखने को मिला। लड़की ने आंखें खोली हैं। डॉक्टर की टीम में पीड़िता इशारों में बात कर रही हैं। डॉक्टर्स ने दावा किया है कि पीड़िता ने उनके इशारों को समझा है। संदीप तिवारी बताते हैं कि बुखार आने की प्रवृत्ति में भी कमी देखी गई है। निमोनिया और बुखार का प्रकोप पीड़िता पर से कम हुआ है। ब्लड प्रेशर हालांकि अभी काबू में नहीं है, ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जिन पर दवाओं से काबू पाए जाने की कोशिश हो रही है। अभी हालांकि वेंटिलेटर कुछ समय के लिए हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीड़िता के वकील को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है पर वो अभी भी कोमा में है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।